डॉक्टर नामवर सिंह इस वर्ष 90 साल पूरा करके 91 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 28 जुलाई 1926 को बनारस के जीएनपुर में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ, उसके 90 साल गुजर गए। इसके साथ ही इनके लेखन का 70 वर्ष पूरा हो रहा है। मेरा जन्म हुआ जीवनपुर, लोगों ने कह दिया उसको जीवनपुर कहते थे। बहुत छोटा सा गांव है, ऊसर पर है वो, इसलिए ऊसर गांव भी उसको कहते हैं। हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं था, बगल में पश्चिम तरफ एक आधे मील पर आवाजापुर नाम का एक गांव था, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, तो हम वहाँ पढ़ने जाते थे। नीम के पेड़, क्योंकि निमौरियाँ गिरती थी तो खूब हम लोग बचपन में किया करते थे। यही हमारे गांव का भूगोल है। पिताजी मास्टर हो गए थे, ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने की थी, पढ़े लिखे आदमी थे। माँ में एक ही गुण था, वो गाती थी, और जब भी शादी ब्याह होता था, घर में कोई चीज़ होती थी, तो सबसे ज़्यादा मांग होती थी हमारी माँ की, और वो जाकर के गाया करती थी। हमारी बहन कोई नहीं थी, बचपन में ही मर गई थी। उस इलाके में एक ही मिडिल स्कूल था कमालपुर का, तो हमारा सारा बचपन बनारस शहर आने के पहले और मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते जाते समय भी कामता प्रसाद विद्यार्थी के घर में जाता था। उनके यहाँ गांधी जी की आत्मकथा देखी पढ़ी रखी हुई थी, उनके यहाँ नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद हो गया था, वो देखा। उन्होंने कह करके पिताजी से उनको पढ़ने के लिए जब मिडिल पास कर लिया, बोले इसको बनारस ले जाओ। लेकिन वहाँ पर मार्कंडेय सिंह जी एक शिक्षक थे जिससे जी हिंदी पढ़ाते थे, वो बहुत साहित्य के मर्मज्ञ मार्कंडेय सिंह जी, वो हम लोगों को इंटर में पढ़ाते थे। हाई स्कूल में वो 9वीं 10वीं में पढ़ाते थे, 9वीं 10वीं इंटर। 45 में आपने मैट्रिक की परीक्षा दी, 45 से मैट्रिक आपका हो गया, और उस साल एक और घटना हुई डॉक्टर साहब, आपका विवाह हुआ। हाँ, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद उस समय सजा हो जाती अगर ये पता चलता कि हाई स्कूल के पहले आपने शादी कर ली है। शांति सिंह जी, हाँ, से शादी हुई हमारी, बाद में हुई शादी। उसके बाद बीए में दाखिला आपने हिंदू विश्वविद्यालय में लिया। हिंदू विश्वविद्यालय में आपके दो शिक्षक थे, केशव प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित केशव प्रसाद मिश्र जो कि जब पढ़ने आया तो बड़ा नाम था, वो जयशंकर प्रसाद के बड़े ही निकट थे, और उनके साथ कामायनी जब वो लिख रहे थे तब से संबंध उनका था। प्रसाद साहित्य के मर्मज्ञ सबसे केशव प्रसाद मिश्र माने जाते थे। उन्होंने मेघदूत का हिंदी में सबसे अच्छा अनुवाद किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि मेघदूत का सबसे किया कई अनुवाद हुए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मिश्र का अनुवाद जो है सर्वोत्तम। पंडित केशव प्रसाद मिश्र संस्कृत के पंडित, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें जो पढ़ाई जाती थी संस्कृत सरणी नाम से, उन्होंने 3 खंड लिखे थे। केशव प्रसाद मिश्र का कहना ये था कि जो कालिदास की परंपरा है उसमें प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, और एक और परंपरा है भवभूति की जिसमें निराला आते हैं, तो ये दूसरी परंपरा वो कहते थे जी। तो आपकी जो दूसरी परंपरा का सिद्धांत है, क्या वहाँ से बिल्कुल यही आया? हम मान सकते हैं कि वहाँ से आपका दूसरी परंपरा। उन्होंने कहा कि संस्कृत में 2 परंपराएं थी, कालिदास की और भवभूति की, और ये संस्कृत की 2 परंपराओं का एहसास कराया था, लेकिन हिंदी में भी परंपराएं हो सकती हैं कि नहीं ये नहीं कहा था। ये मैंने अपनी ओर से भी देखने की कोशिश की कि देखें क्या उसी तरह से हिंदी में ही कोई 2 परंपराएं हो सकती है। अगर कालिदास वो भूति
कि भाषा की दृष्टि से, भावबोध की दृष्टि से, जीवन दृष्टि से हो सकता है, तो मुझे लगा कि यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि एक निराला है, दूसरे पंथ हैं, दोनों एक तरह के कभी नहीं हैं। तो मुझे अगर किसी ज़माने में कबीर की एक परंपरा है, तुलसीदास की दूसरी परंपरा है, तो केशव जी के पढ़ाने के से जो मुझको प्रेरणा मिली कि परंपरा नहीं होती, परंपराएं होती हैं, और इसलिए दूसरी का मतलब नंबर दो नहीं है, बल्कि एक अन्य परंपरा है। आप हिंदी में एमए नहीं करना चाहते थे, करना चाहते थे प्राचीन भारत और संस्कृति, हाँ, इसमें करना चाहते, यही नाम था, विषय का नाम यही था। तो फिर आप हिंदी की तरफ कैसे? बीए में कल्चर पढ़ लिया था, तो लगभग ऐसा लगता था कि एक बार मैं कल्चर ही लूँ, हिंदी न लूँ, क्योंकि सुना था कि केशव जी रिटायर होने वाले हैं। बोले कि सुना है कि तुम जा रहे हो कल्चर वाले पढ़ने के लिए, मैं तो सोचता था कि तुमको मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। ये सुनते ही मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं यही आपसे पूछने के लिए आया था कि आपके चरणों में मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, निर्णय नहीं तभी लूँगा, आपका आदेश है, मैं हिंदी पढ़ूँगा, और कल्चर छोड़ करके मैं हिंदी पढ़ने चला गया। 1951 में आपका एमए हो गया हिंदी, हाँ, में द्विवेदी जी आ गए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हाँ, विभाग में जब मैं फाइनल में पहुंचा तो द्विवेदी जी आ गए थे। 50 में केशव जी रिटायर हो चुके थे। तो एमए आपने 51 में किया, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 51 नहीं, 52 में किया। लेकिन उससे एक साल पहले ही आपकी पहली किताब प्रकाशित हुई, हाँ, बकलम खुद, हाँ। जब आप एमए में पढ़ते थे तब प्रकाशित, हाँ, हुई, हाँ, हाँ। अच्छा, तो उस एमए में जो पहली किताब बकलम खुद प्रकाशित हुई, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके 1952 में अप हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये हमारा एमए का डिसर्टेशन था। उसके बाद 1954 में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, हाँ। 1955 में छायावाद, 1956 में पृथ्वीराज आसो की भाषा, जो कि आपके पीएचडी का विषय था, उस पर किया था आपने, और 1957 में इतिहास और आलोचना, फिर इतिहास और आलोचना के बाद 1966 में कहानी नई कहानी किताब आई, 1968 में कविता के नए प्रतिमान, फिर 1982 में दूसरी परंपरा की खोज, और आपके द्वारा सीधे लिखित यानी वाद विवाद और संवाद 89 में किताब आई है। तो देर से आई है किताब, देर से आई है। आप अध्यापक हो गए वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, हाँ, और पहले तो रिसर्च स्कॉलर थे, फिर उसके बाद अध्यापक हो गए। वो पंचवर्षीय योजनाएं चली, हाँ, तो दूसरी योजना तक मैं वहाँ रहा, और इसके बाद जाहिर है कि तब तक एक स्पष्ट ही नहीं था कि योजना, उस समय नहीं लगता था कि दो बार योजनाएं चली, लोगों ने समझा कि, तो मैं टेम्प्रेरी था, कंफर्म नहीं हुआ था, यानी 9 साल बढ़ाने के बाद भी मैं कंफर्म नहीं हुआ था। जो पहली किताब थी बकलम खुद, उसमें निबंध है, लेकिन वो ललित निबंध नहीं है, उसमें, हाँ, ललित से अधिक व्यंग्य है। कुल मिला के 50 निबंध आपने लिख रखे हैं, जिसका एक हिस्सा ये है, बाकी दो और छपेगा। तो इतने सारे निबंध आपने उस समय लिखे थे? बहुत, ऐसा उस समय रोज मैं रात को बैठ करके लिखता था, और एक निबंध रात में हो जाता था, सनक सवार हुई थी, और कुछ तो परसाई जी से प्रेरणा मिली थी, PWA के नाते संबंध तो उनसे हो ही गया था, और तो लगता था कि त्रिलोचन जी पास ही रहते थे हमारे, गंगा नहाने जाते सब हम लोग साथ ही नहाते थे, तो मुलाकात होती थी, तो त्रिलोचन जी रोज 5 सॉनेट लिखते थे, धुआंधार त्रिलोचन जी सॉनेट, एक सॉनेट भी कहते त्रिलोचन सॉनेट के पथ पर दौड़ा। तो 5 सॉनेट वो और एक निबंध आप रोज, हाँ, बहुत बाद में त्रिलोचन जी के सॉनेट छने, लेकिन लगभग मैं उनके पास ही बगल वाले
उसमें रहता था, वो अखनू भवन में रहते थे, अखनू भवन में। लेकिन आपने किराए का मकान भी 53 में लिया? हाँ, 53 में लिया। कहाँ कहाँ लिया आपने? लोलारा कुंड पर, ये 80 पर है। काशी काशी नाम से किताब भी लिखी हुई, तो 80 चौराहे के पास एक लोलारा कुंड, बहुत पुराना, पूर्वोत्तर की किसी स्टेट ने एक कुंड बनाया है, बराबर पानी होता वहाँ, मोला लोलारा छठ का मेला लगा करता था, उसी के बाद एक पंडित जी का मकान था, तो उनसे बातचीत चली, उन्होंने वो मकान मुझको दे दिया। मकान अच्छा पुराना नहीं था, लेकिन फिर मैंने उसको बनवाया, तोड़ ताड़ करके, इधर जुड़वा करके, छत भी उसकी एक अलग लगाई, रात को हम लोग वहाँ रहते थे। बाद में आपने ले भी लिया, खरीद भी लिया? खरीद लिया बाद में मैंने, हाँ खरीद लिया, उसके बगल वाला भी हिस्सा था तो खरीद लिया। उसी मकान में रहते हुए पढ़ाना भी शुरू किया। उस समय जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ साहित्य की, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, इसको आपने परिभाषित किया है, तो क्या वो पहली बार आप उसे कर रहे थे? मेरे मन में था कि छायावाद पर अच्छी किताब नहीं है। मैंने कहा कि आलोचना बड़ी नीरस हुआ करती है, इसलिए शास्त्रीय नहीं लिखूंगा मैं, इसकी शैली दूसरी होगी। तो मेरी प्रिय पुस्तक जो है वो छायावाद है, इसलिए उस रस के साथ मैंने उसको लिखा है। इसके बाद अचानक हम देखते हैं आपके लेखन में या लेखन के की यात्रा में, सफ़र में, कि आप कहानियों की ओर मुड़ते हैं। और कहानी नई कहानी 66 में वैसे छप के आई है किताब, लेकिन उसी दौरान वो सारा लेख होता रहा। ये कहानी पर जनरल विचार करना एक है, लेकिन एक कहानी पर विचार किया जाए, कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है आलोचना के लिए जितनी कि एक कविता। तो कहानी कैसे पढ़ी जाए, कविता कैसे पढ़ी जाए, हाउ टू रीड ए पोएम, अगर किताब बन सकती है तो हाउ टू रीड ए पोएट स्टोरी, तो हाउ टू रीड ए स्टोरी, कहानी कैसे पढ़ें। कहानी की आलोचना करते समय कथानक बता देते थे, कहते भाषा बहुत अच्छी है, बंद। इसलिए मैंने कहा कि अगर कविता की भाषा टेक्स्ट का विश्लेषण हो सकता है, तो कहानी का कथानक बताने से बात थोड़ी बनती है। कहानी की भी कला है, और उसकी अलग अलग उस कला के उसके प्ररूप होते हैं। आपने डॉक्टर साहब नई कहानी पर जो कुछ लिखा कॉलम में, तो उससे मोहन राकेश तो नहीं, लेकिन कमलेश्वर और राजेंद्र यादव बहुत बार असहमत हुए और लिखा, क्योंकि आपने निर्मल वर्मा और रघुवीर सहाय को कहानी, मगर छोटी ही सही मगर कहानी तो है, तो इन लोगों को जो घोषित रूप से अपने को रघुवीर सहाय कहानीकार नहीं कहते थे, खैर, और निर्मल को आपने जो महत्व दिया, तो क्या यही कारण था जिससे कि ये लोग असहमत थे आपसे, यादव जी और कमलेश्वर? इनको उतना महत्व नहीं दिया, जबकि यही लोग छाए हुए थे। रेणु को भी आपने कम महत्व दिया उस समय? असल में रेणु के महिला आंचल की इतनी धूम थी कि उस उपन्यास के बाद शायद आगे चल करके मैं लिखता, लेकिन महिला आंचल भी बाद में आप देखें तो कहानियों का गुच्छा ही है, वो अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है। तो ये भूल हुई है मुझसे। डॉक्टर साहब, सबसे चर्चित किताब कविता के नए प्रतिमान 1968 में आपकी आई, जो नई कविता का पराभव हो चुका था, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कविता के नए प्रतिमान लिखने की या उसकी तलाश करने की? नई कविता के नाम पर प्रयोगशील कविता और अज्ञेयवादी कविता जिसको कहते हैं, जिस प्रकार के लोग नई कविता या प्रयोगशील कविता के नाम पर लोग थे, उसमें यद्यपि अज्ञेय ने आरंभ में मुक्तिबोध को तार सप्तक में रखा था, लेकिन मुझे लगा कि मुक्तिबोध की उपेक्षा हो रही है, ख़ास तौर से लंबी कविता के नाम पर। बल्कि मैं कहूँ कि चुनौती मुक्तिबोध ने दी थी अंधेरे में जैसी कविता लिख करके,
उस चुनौती के जवाब में अंतिम दिनों में असाध्य वीणा नाम की कविता अज्ञेय ने लिखी। अज्ञेय ने अगर असाध्य वीणा न लिखी होती, लिखी उन्होंने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की चुनौती में लिखी थी। और अज्ञेय को ये समझ थी कि तथाकथित प्रयोगशील दृष्टिकोण में प्रगतिशील इन कवियों में अगर किसी को वो चुनौती महसूस करते थे तो अज्ञेय मुक्तिबोध को ही करते थे। मुक्तिबोध से मेरी मुलाकात नागपुर में हुई थी, रात भर हम लोग उनके साथ में घूमता रहा। और एक बात है कि और मुक्तिबोध को मैं बनारस से ही जानता था, वो सरस्वती प्रेस में काम करते थे। मैत्री भाव जैसा सहज उन्हें होता है और विचारधारा पॉलिटिकली हमें ज़्यादा नज़दीक मालूम हुए, तो मैंने सोचा कि लंबी कविता के नाम पर एक लेख होना चाहिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया के बाद हिंदी में वैसी लंबी कविता कोई है नहीं। इसलिए मैंने उस लेख को ध्यान में रखते हुए कविता के नए प्रतिमान को केंद्र में रखा मुक्तिबोध। जो आपने निकष और प्रतिमान बताए हैं, प्रगीतात्मक और नाटकीय या सपाट बयानी तो आदि आदि, या बिंबात्मकता का से अलग सपाट बयानी, तो उसमें आपने रघुवीर सहाय को भी बहुत महत्व दिया बहुत है। मेरे प्रिय कवियों में मुझसे कोई भी पूछता था तो मैंने बराबर कहा कि मेरे प्रिय कवि एक मुक्तबोध है, उस पीढ़ी के और बाद वाली पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय हैं। आपकी आलोचना प्रक्रिया क्या है डॉक्टर साहब? इतना जो आपने लिखा है, इतना क्या है, जैसे कि सृजन प्रक्रिया है एक कवि, बहुत इस पर चर्चा हुई है, दसियों साल तक लोगों ने अपना अपना कहा है, आपकी आलोचना प्रक्रिया क्या है? मैं सृजन की तरह पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद मुख्य मुद्दे अगर किसी की पुस्तक की समीक्षा है तो बना लेता हूँ, और चुन करके उसमें से क्रम कैसे लगाए यह महत्वपूर्ण है। यानी जैसे एक उलझा हुआ धागा है तो उसका एक सिरा जब तक न मिले तब तक, और अंत सिरा का पता न चले तब तक धागा खोल नहीं सकते हैं। इसलिए आदि और अंत मालूम हो जाए तो सारे विचारों का एक सिलसिला चल सकता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में एक और घटना हुई कि आप 1959 में चकिया चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हाँ। आपको क्या चुनाव लड़ने को कहा गया था? हाँ, पार्टी ने कहा। तो क्या वातावरण क्या था कि आप चुनाव अचानक आप उसकी? मैं चूंकि उस इलाके का रहने वाला था तो, और ये लोग खड़ा कर रहे थे, इनको सोचे लोग राम मनोहर लोहिया को, तो लोगों ने कहा कि लोहिया यहाँ का रहने वाला नहीं है और उससे अच्छा है कि आप तो इस इलाके के रहने वाले हैं, हक है आपका। मेरा ननिहाल था वहीं फेसुड़ा, तो मैं सबसे पहले अपने ननिहाल गया, मामा नाना सब मर चुके थे, तो उन लोगों ने कहा कि जाओ और ठीक है, ये हमारा ये गांव तो तुमको देगा। इस चुनाव की ही वजह से विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, वहाँ आपके एक्सटेंशन नहीं किया गया आपके? हाँ, एक्सटेंशन, वो पंचवर्षीय योजना थी, दो योजनाएं पूरी हो गई थी, तीसरी चालू रहेगी कि नहीं, इसलिए हमको उन लोगों ने तब तक कंफर्म नहीं किया था। जब वहाँ नौकरी नहीं रही तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप सागर गए? एक साल के लिए आप सागर गए। हाँ। लेकिन सागर में भी नहीं रह पाए। सागर में नंदलाल वाजपेयी की इच्छा के खिलाफ हमारा अपॉइंटमेंट, और वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी जाहिर है वो अपने दूसरे चेले को चाहते थे, तो नतीजा ये हुआ कि कनौजियों का खेल था। तो उन सबके विरोध में करते हुए द्वारका प्रसाद मिश्र ने कर दिया अपॉइंट। तो फिर 61 से 65 तक बनारस में हाँ। रहे, तो वहाँ पर साहब वो 80 और का जो माहौल था, जो चायखाना था केदार का,
उस माहौल के बारे में बताएंगे, किस तरह की साहित्य गोष्ठी थी उस समय, 80 का जो की जिंदगी थी आप लोगों की, 5 साल की। जैसे दिल्ली में टी हाउस में और कॉफी हाउस में लोग मिला करते थे ना, तो उसी तरह से बनारस में काशी का 80 नाम की किताब जो लिखी है काशी ने, तो एक वो चौराहे पर जो दुकान हुआ करती थी वहीं तमाम लोग इकट्ठा, तरह तरह के लोग होते थे वहाँ पर, गर्म बहस करते हुए चाय ठंडी की जाती। हाँ हाँ बिल्कुल। गए थे फिर दिल्ली आ गए आपसे 65 में, जनयुग के संपादक हो। जनयुग के संपादक तो क्या आपने यहाँ पर किस तरह से यहाँ आए, मतलब जनयुग के संपादक? पार्टी ने बुलाया जनयुग का संपादन करने के लिए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये राजकमल प्रकाशन था, वो उन लोगों के पास कुछ पैसे कमी थी, क्या हुआ इन्होंने बेच दिया, ये प्राइवेट लिमिटेड था ना, तो प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने, और उस समय इत्तेफाक से शीला संधु के हस्बैंड, ये लोग उनका रूस के कारण कुछ बिजनेस चलता था इन लोगों का इंटरनेशनल, बहुत पैसे वाले थे, तो इन लोगों ने ख़रीद लिया उसको, और बाद में लोक भारती भी आ गई इसके अंतर्गत जो इलाहाबाद में थे, तो इनको मैं इत्तेफाक से चुनाव उनाव हार के पार्टी का काम जनयुग करने के लिए बुलाया उन लोगों ने, तो मैं आ गया था। आलोचना पत्रिका बंद हो चुकी है, चौहान जी निकालते थे, आप आलोचना निकालिए और तो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि आलोचना के एडिटर की हैसियत से आपको अलग पैसा हम देंगे और सलाहकार की हैसियत से अलग पैसा देंगे, दोनों दिल्ली में रहने के लिए ठिकाना बन जाएगा। इसके बाद 70 में आप जोधपुर चले गए। हाँ, वहाँ मुझे जोधपुर में 70 में बुलाया गया था तार दे करके, कि टेलीग्राम आया, बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए, ये मैं गया वहाँ, बीबी जान थे, तो लेक्चर दिया मैंने, सुना, और लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ तो बीबी जान ने कहा कि हमारे ऑफिस में चलिए, और वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर कहा कि चाय या कॉफ़ी लीजिए, और ये अपॉइंटमेंट लेटर है नाटकीय, और तो हमने कहा मुझे सोचने का मौका दीजिए, बोले आपको छुट्टी हम दे देते हैं, चले जाइए, लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप ज्वाइन करें, अभी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, और बोले कि ज्वाइन करके ही आप चले जाइए, सामान वामान अपना ले करके आइएगा, और 3-4 दिन या 5 दिन जो लगे, और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अज्ञे जी को मैं चाहते, अज्ञे जी चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना, क्या राय है आपकी? बोले आप दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है, मैं जानता हूँ, जान को सब, जान टाइम्स ऑफ इंडिया में रेगुलर कॉलम लिखा करते थे बीबी जान जी, बीबी जान तो परिचित थे साहित्य से। इसके बाद JNU में डॉक्टर साहब 74 में आप आए, तो JNU में कैसे आना हुआ? JNU में मैं तो वहीं था, बीडी नाग चौधरी से किसी ने मेरे बारे में कहा होगा, बीडी नाग चौधरी वाइस चांसलर थे वहाँ। हाँ, बीडी नाग चौधरी को वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया था, और वहाँ जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज वगैरह 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 जो एक रशियन सेंटर चलता था वो शामिल बाद में किया गया था। बीडी नाग, किसी ने कथा बताया होगा कि बीडी नाग चौधरी से, हो सकता है जॉन ने कहा हो, तो जब मैं मिलने गया तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐसा है और हम चाहते हैं कि आप प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर लीजिए, नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया जोधपुर, और इसके बीच एक साल आप KM मुंशी इंस्टीट्यूट आगरा में भी रहे थे। एक साल नहीं रहे, तीन महीने रहे, लेकिन रामराज जी की जगह। लेकिन मैं आ तो गया था, ज्वाइन भी कर लिया, वो
इलाहाबाद से आए थे मिस्टर राव, हाँ, उन्होंने कहा कि आए हो तो ऑफर भेजा है, टेलीग्राम भेजा है, ज्वाइन कर लो। जब मैंने कहा कि जी, यानी उसे मुझे खबर मिली है, बोले कि मैं खूब समझता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो तुमको रोक सकता हूँ, क्योंकि अभी कंफर्म होने से पहले तुम्हारा जो पीरियड है वो एक साल का है वैकेंसी। तो मैंने कहा तो आपके ऊपर है जैसा है। तो राव साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे भविष्य का सवाल है, नई यूनिवर्सिटी बन रही है और तुम वहाँ उसके चेयरमैन होकर जा रहे हो, यद्यपि यहाँ तुम यहाँ भी चेयरमैन ही रहोगे, तो ये तो इंस्टीट्यूट है, किताब उताब छापने का काम करता, पढ़ाने का काम तो यहाँ होता नहीं है। जे एन यू में आकर आपने जो हिंदी का पाठ्यक्रम है जो देश भर में चला आ रहा था 50 साल से, उसको बदल दिया। हम लोग हमने देखा कि हम लोग उस बात यह थी कि जे एन यू केंद्र में क्या था, उस बदलाव के केंद्र में पहली बात थी कि सेमेस्टर सिस्टम कहीं नहीं था, जे एन यू में सेमेस्टर सिस्टम था। वहाँ तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था, हमारे यहाँ तो एक एक सेमेस्टर चार सेमेस्टर में बांटना था। और चूंकि मुझे BHU का अनुभव था, कुछ आगरा यूनिवर्सिटी का अनुभव था, जोधपुर में मैं हमारे किताबों और कोर्स को लेकर के बहस हो चुकी थी, बड़ी अखबारबाजी हुई थी, तो मेरे मन में एक नक्शा था कि कैसे BHU इलाहाबाद जो सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, सेमेस्टर सिस्टम में गुंजाइश है और बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एक नए ढंग का कोर्स बनाया जाए। और वो कोर्स मैंने सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि और जगह सेमेस्टर कहीं था ही नहीं, पुराना जगह था, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के सारे को बटोरे, और बटोर करके मैंने कहा कितना थ्योरी होना चाहिए, कितना टेक्स्ट होना चाहिए, कौन रोल टेस्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह बना करके मैंने एक नए ढंग का कोर्स बनाया। जे एन यू में रहते हुए आपने द्विवेदी जी पर, हालांकि आपने ये कहा था कि आप एक जगह कहीं कहा है कि आचार्य शुक्ल, द्विवेदी जी और रामलीला शर्मा, इन तीनों पर आप लिखना चाहते हैं एक किताब, लेकिन आपने उन लोगों पर तो अलग से किताब नहीं लिखी, लेकिन आपने द्विवेदी जी पर यह किताब लिखी, दूसरी परंपरा की खोज, इसके पीछे क्या, इसके केंद्र में क्या था? देखिए, एक तो गुरु ऋण जो है सबसे बड़ा ऋण होता है, किसी रूप में पंडित जी से के प्रति एक करना था, लोग भूल गए थे, उनकी मृत्यु के बाद कोई उनको नाम लेने वाला नहीं था। तो मेरे मन में था कि ये कहीं मेरी पूंजी मेरे जीवन की, तो मुझे वो साल भर की छुट्टी मिलती है यूनिवर्सिटी से, हाँ, अवेल मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा कि लोग आमतौर से साल भर की छुट्टी लेते, करते कुछ नहीं है, लौट आते हैं, तो एक बार तो मैं ले सकता हूँ। नियम बना लिया था कि रात को एक दिन में एक अध्याय लिखूँगा, पूरी तैयारी करने के बाद, और यही जितने चैप्टर हो उतने देर में पूरे करके बाइंड करके छाप। आपके हस्ताक्षर से जो आखिरी किताब 89 में छपी है, वाद विवाद और संवाद, आप मुझे याद है जनकपुरी में रामविलास जी को देने गए थे, हाँ। उन्होंने उसको देखा था, उनको बहुत अच्छा लगा था, हाँ। उन्हीं को समर्पित है यह किताब, हाँ, बिल्कुल रामविलास जी को ही। तो ये वाद विवाद और संवाद जो किताब है, उसमें क्या मतलब किस तरह की भूमिका है उसकी? हमने कहा कि आमतौर से हिंदी में दो ही शब्द चलता है, वाद विवाद, वाद विवाद, संवाद नाम की चीज इनके साथ आते ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आमतौर से चिंतन के क्षेत्र में लोग वादा विवाद करते रहते हैं, हमने कहा कि वाद विवाद के बाद संवाद एक होना चाहिए, डायलेक्टिक्स का नियम यही है, थीसिस एंटी थीसिस सिंथेसिस। ।1989 में प्रकाशित वाद विवाद संवाद के बाद 1990 में नामवर जी ने शमशेर की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया। लौट आ ओ फूल की पंखड़ी, फिर फूल में लग जा, चूमता है धूल का फूल कोई, हाय
1994 में इनके साक्षात्कारों का संपादित संकलन आया कहना न होगा। संपादक हैं समीक्षा ठाकुर। 1995 में खगेंद्र ठाकुर द्वारा संपादित आलोचक के मुख से पुस्तक आई, इसमें नामवर जी के 5 व्याख्यान संकलित हैं। 2006 में काशी के नाम पुस्तक आई, इसमें नामवर जी द्वारा छोटे भाई काशीनाथ सिंह को लिखे पत्र संकलित हैं। 2006 में नामवर जी के साक्षात्कारों की भी एक पुस्तक छपी, बात बात में बात। 2010 में 3 पुस्तकें आई, हिंदी का गद्य पर्व। हिंदी का गद्य पर्व में 1949 से 2008 के बीच के लेख हैं। प्रेमचंद और भारतीय समाज में प्रेमचंद से संबंधित नामवर जी के लगभग सभी लेख और व्याख्यान संकलित हैं। जमाने से दो दो हाथ में समसामयिक मुद्दों पर बहस का संग्रह किया गया है। 2012 में 4 और किताबें आईं, साहित्य की पहचान मुख्यतः कविता और कहानी पर केंद्रित व्याख्यानों का संग्रह है। आलोचना और विचारधारा में आलोचना से संबंधित व्याख्यान हैं। सम्मुख और साथ साथ में साहित्य की समकालीन चिंताओं पर बातचीत और बहस है। साथ साथ नामवर जी से संवाद की विशेष पुस्तक है, इसमें नामवर जी ने स्वयं रामविलास शर्मा और शमशेर से बातचीत की है। पुस्तक में जिन दूसरे महत्वपूर्ण लेखकों ने उनसे तथा एक साथ मिलकर बातचीत की है, उनमें नेमीचंद्र जैन, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा, चंद्रबली सिंह, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, विभूति नारायण राय, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह और असगर वजाहत प्रमुख हैं। 2013 में नामवर जी की 2 किताबें प्रकाशित हुईं। प्रारंभिक रचनाएं के संपादक हैं भारत या यावर, इसमें नामवर जी की एक कहानी, कविताएं तथा प्रारंभिक लेख शामिल हैं। उनकी पहली पुस्तक बकलम खुद भी इसमें संकलित कर दी गई है। लेखों का दूसरा संग्रह है हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल, संपादक हैं ज्ञानेंद्र कुमार संतोष, पुस्तकें राजकमल से छपी हैं। डॉक्टर साहब, आपकी रचनावली आनी चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो और आप उसका दिशा निर्देश करें, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। ग्रंथावली में मरणोपरांत मेरे प्रकाशित होनी चाहिए, जीते जी ग्रंथावली नहीं छपनी चाहिए, ये मेरी धारणा है। ग्रंथावली मतलब फुल स्टॉप, लग गया, इसके बाद जो कुछ नहीं लिखेगा उसके बाद ही ग्रंथावली छपनी चाहिए। आप पर किन आलोचकों का प्रभाव पड़ा है, किन से आपने इन्हें आपको प्रभावित किया है अपने लेखन में? देखिए, हिंदी में 3 ही आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, 3 हैं। और मुझे तीनों के प्रति श्रद्धा भाव है। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, बाकी अंग्रेज़ी, विदेशी भाषाओं में अंग्रेज़ी में जितना पढ़ा है, बहुत बड़े बड़े आलोचक होंगे और जिनके जिन लोग बहुत बड़े माने जाते हैं, तो इसलिए हमारे घर में आलोचना किताबें अंग्रेजी आलोचना की भरी पड़ी हैं। लेकिन मुझे अपनी परंपरा जो है, क्योंकि ये देश पोएटिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दुनिया में भारत जैसा देश, संस्कृत की महान परंपरा हमारे वहाँ में मिली हुई है। दुनिया के इतिहास में काव्यशास्त्र का ऐसा जखीरा किसी के पास नहीं है। इसलिए यह देश यानी हमारी परंपरा का, जिसमें ये वो देश है, वेद जैसा कहीं दुनिया में काव्य नहीं है। संस्कृत के काव्य में जहाँ वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, नैषश्चरित के लिखने वाले लोग, संस्कृत का और रीतिकाल के हमारा जैसा काव्य है नहीं, अंग्रेजी साहित्य में नहीं मिलेगा जितना रीति साहित्य। 350 वर्षों में जो साहित्य रचा गया है और उसके बाद हम देखते हैं, तो हमको एक स्वाभिमान हमारे मन में होता है। इसके समानांतर रचनात्मक साहित्य के आधार समानांतर हमारा जहाँ तक समालोचना या काव्यशास्त्र कहते हैं, संस्कृत हटा दिया जाए तो फिर हिंदी में है क्या? बिल्कुल, हम लोग कितने। इसलिए
ऐसी महान परंपरा के बारिश होते हुए हम लोगों को अपनी ओर से कुछ भी ऐसा जोड़ सके जो टिकाऊ हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे संतोष होगा कि हमने कुछ सब कुछ लिया ही नहीं बल्कि कुछ दिया है। आप अपने इस पूरी बातचीत के बाद, अपने लेखन के 70 साल और जीवन के 90 साल के इस बिंदु पर क्या हम लोगों को संदेश आप देना चाहते हैं? अभी संदेश देने योग्य मैं नहीं हुआ हूं। इतिहास रखेगा याद ये 90 वर्ष, स्मृतियां कुछ पल, किताबें विचार कुछ लोग, इतिहास रखेगा याद।